हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से पहले यहाँ पे कह दिया था कि यहाँ पे रेडमी नोट 13 प्रो प्रो प्लस 5G जब भी इंडिया में लॉन्च होगा उसमें हमें न्यू पॉलिसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पे फाइनली एंड फाइनली ये वाली बात भी सच साबित हो चुकी है। अब ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है इसके मैं आपको रीजंस भी शो कर देता हूँ। सबसे पहले तो रेडमी नोट 12 प्रो प्रो प्लस में हमें ना IP68 रेटिंग और ना ही उसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ना ही हमें उसमें कर्व्ड का फ़ोन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जब इंडिया में लॉन्च हुआ सो उसमें हमें IP68 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और उसमें हमें कर्व डिस्प्ले भी यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका था, जो कि क्लियरली शो करता है कि रेडमी नोट 13 प्रो एंड प्रो प्लस रेडमी नोट 12 सीरीज से लाख गुना बेटर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सो इसके मैं सारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी को शो कर चुका हूँ। आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे रेडमी नोट 13 5G सीरीज के न्यू अपडेट्स पॉलिसीज यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। आपको Redmi Note 13 Pro एंड Pro Plus 5G एंड Redmi Note 13 5G आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 Android 13 के साथ देखने के लिए मिलता है। और इसकी आपको न्यू पॉलिसी ये है कि आपको इसमें 3 मेजर एंड्रॉयड के अपग्रेड्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये वाली पॉलिसी केवल Redmi Note 13 Pro एंड Pro Plus 5G के लिए ही है। आपको Redmi Note 13 5G में 2 साल के एंड्रॉयड अपग्रेड और 3 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स ही यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। सो ये वाला डिसीजन Xiaomi की तरफ से बहुत ही बढ़िया है। आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो Redmi Note 13 5G सीरीज़ की न्यू अपडेट्स पॉलिसीज़ के रिलेटेड।